चने का दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। चने का दाल मैंने थोड़ा लिया है, आपकी मर्ज़ी आपको कितना बनाना है, लेकिन मैंने यहाँ पे हाफ कटोरी चने का दाल इस्तेमाल किया है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दो हरी मिर्च यूज़ की है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप और हरी मिर्च ले सकते हैं। थोड़े से प्याज, आधी कटी हुई प्याज चलेगी। यहाँ पे लहसुन, लाल मिर्च, मोहरी जिसे हम सरसों के दाने भी कहते हैं, और यहाँ पर मेरे पास ड्राई करी लीफ है। अगर आपके पास फ्रेश है आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें पहले पैन में चने के दाल को फ्राई कर लेना है। अब पैन पर हम चने दाल को हल्के आंच में भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। जब इसकी हल्की सी सोंधी खुशबू आने लगे तो आप इसे गैस से उतार लें। आप देख सकते हैं कि हमारा चने का दाल भुन चुका है। इसे हमें काला होने तक नहीं भूनना है, हल्का रेडिश हो जाए तो इसे आप उतार लें और ग्राइंडर में डाल लें चने का दाल, क्योंकि मुझे हमें अभी इससे पीसना भी है। अब उसी पैन पर हमने जो लहसुन के दाने लिए हैं उसे और प्याज को हल्का बिना तेल का ही रोस्ट कर लेना है। देखिए इससे क्या होता है, इसकी जो सुगंध होती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। ये देखिए इस तरीके से मैं प्याज और लहसुन को बिना तेल का ही हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने चने का दाल रोस्ट कर लिया है और उसके बाद लहसुन के जो कलियाँ थीं चार उसे मैंने रोस्ट किया है और प्याज ये मैंने इसमें रोस्ट करके ग्राइंडर में डाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दो हरी मिर्चें। अब ये सभी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। आप हमेशा ये ध्यान रखें जब आप इसका चने दाल का पेस्ट बनाती हैं तो इसमें इतना ज़्यादा पेस्ट ना करें ताकि वो बहुत ही स्मूथ हो जाए, क्योंकि इसका टेक्सचर थोड़ा बहुत दरदरा होना चाहिए, उसमें ही इसका असल टेस्ट है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा चने दाल का पेस्ट रेडी है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा इसको ग्राइंड नहीं किया है ताकि ये स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए मैंने इसे थोड़ा दरदरा रखा है क्योंकि इसका टेस्ट इसमें ही अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं इसमें छौंक दूंगी। तो छौंक देने के लिए मैंने पैन लिया है। पैन में आप थोड़ा सा सरसों का तेल यूज़ करें, ये बहुत ही थोड़ा, जितना आपको छौंक के लिए लगे बस। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि कम से कम तेल में हमारा रेसिपी रेडी हो, तो मैंने बहुत ही थोड़ा तेल लिया है। इस तेल को अच्छे से गर्म होने दें। इस तेल में छौंक के लिए जो मैंने पहले आपको बताई थी मोहरी है, एक साबुत लाल मिर्च है और करी पत्ते हैं जो कि हम छौंक के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारा पैन गरम हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, उसके बाद थोड़े से करी पत्ते, क्योंकि करी पत्ते चटनी में छौंक के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और सरसों के दाने, ये तीनों ही छौंक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं इस सभी सामग्री को इसमें डाल दूंगी, ये देखिए, और इसे ढक दूंगी, ये देखिए।
अब मैंने सभी को इसमें डाल दिया है और ढक दिया है। ढकने से इसकी जो खुशबू होती है ये उड़ती नहीं है। इसे बस 5 मिनट के लिए आपको ऐसे ही ढक के रखना है और बाद में इसमें थोड़ा नमक डाल के मिक्स कर देना है।